अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो फाइनली 100 के सब्सक्राइबर पे हमने छोटा सा पार्टी रखा है, हमारे गांव के कुछ बच्चे नौजवान साथी। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग इतने ऊपर आए हैं, यानी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो छोटा सा हमने केक लाया है और केक का हाल भी थोड़ा खराब हो रहा है, इसलिए बच्चे लोग भी परेशान है कि कब इसको काटा जाएगा। तो बहुत जल्द हम इसका उद्घाटन करने वाले हैं, यानी चाकू भी रेडी है और यहाँ केक भी तैयार है। तो चलिए हम तैयारी करते हैं काटने का। और यहाँ पे लाइट उट का थोड़ा व्यवस्था कम है, तो यहाँ पे लाइट का व्यवस्था किया गया है। केक काटने का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, केक कट रहा है, आप लोग देख सकते हैं। काफी खुशी का माहौल है और आज खुशी का ठिकाना नहीं है। केक भी देख सकते हैं कितना अच्छा है, 100 के लिखा हुआ है, हर्षद दाम चैनल का नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे खुशियाँ मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है हाय सद्दाम। तो यहाँ से हम भी शुरुआत करते हैं। लाइट ना दे ना। ना लाइट अलग से दे। हाँ। अब ये किसको खिलाया जाए? रोग ना उन लोगों का दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया और मेरे चैनल हाय सद्दाम को सब्सक्राइब किया। उन लोगों का दिल से शुक्रिया क्योंकि आप लोगों की बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं और आप लोगों का सपोर्ट रहा। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता रहूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाया हूं ताकि आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रह सकूं। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और छोटा सा जो तोहफा था मैंने अपने गाँव के बच्चों के साथ शेयर किया क्योंकि बच्चों के साथ शेयर करना ये बहुत खुशी की बात है। बड़े बड़े लोगों को दावत देकर पार्टी में बुलाते हैं काफ़ी लोग, वो तो एक दिखावा होता है लेकिन बच्चों के साथ इन लोगों के साथ मैंने छोटा सा तोहफा शेयर किया है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि इन लोगों का अगर प्यार और इन लोगों का दुआ अगर काम आ जाए तो हम लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, यानी और भी ऊंचाइयों तक हम पहुंचेंगे। तो बहुत खुशी हुआ और खुशी का ठिकाना देख सकते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था केक किस तरह से काटा जाता है, जो भी तरीका मुझे अच्छा लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यहाँ पे रात के समय में ये किया जा रहा है क्योंकि दिन में अभी रमज़ान का मौसम चल रहा है तो रमज़ान में ये सब हम कर नहीं सकते हैं, रोज़े की हालत में है। तो थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक गलती हुआ है तो आप मुझे माफ़ करें क्योंकि इस तरह से लोग एक दूसरे को खिलाते भी हैं और केक लगाते भी हैं। तो ये गांव का माहौल है और हर जगह पे इसी तरह से किया जाता है, तो लोगों का एक रिवाज बन चुका है। केक आएगा तो खिलाना भी है और एक दूसरे को लगाना भी है, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा लेकिन ये सिस्टम है, ये तरीका है ताकि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। काफ़ी लोगों का फरमाइश था कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँच जाए तो एक स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड करना, तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो केक लाया है उसके साथ देख सकते हैं क्या हो रहा है, यही केक लाया है और इसी का काम है केक लाना, यानी पैसा तो हमारा खर्च हुआ है लेकिन केक लाने में सबसे बड़ा इन्हीं का हाथ है। और अभी ये भाग रहे हैं, पहले शुरू में अभी काफ़ी लेट से आई है, इसकी वजह से इनके ऊपर सबके सब गुस्सा है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे, इसलिए केक खिलाने के बजाय इनको लगाया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है और खुशी की बात है, देख सकते हैं ये भी आप केक लेकर एक दूसरे को लगा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया क्योंकि सबसे पहले जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, सबका दिल से शुक्रिया क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है मेरा। काफ़ी लोग सवाल करते हैं भाई आपका चैनल इतना दिनों से है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो जानकारी की चीज़, जो लोग भी बताते हैं उनका चैनल जल्दी आगे नहीं जाता है, जो लोग भी मनोरंजन करते हैं, फनी वीडियो बनाते हैं, उन लोगों का चैनल
आगे जाता है, जल्दी वायरल होता है। तो आप लोग भी यूट्यूब पे वायरल होना चाहते हैं तो फनी वीडियो, प्रैंक वीडियो या जो भी है आप लोग साथ में शेयर करना, किस तरह का चैनल बनाकर वायरल हो सकते हैं। खुशी हुआ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इस तरह से बना रहा, तो आने वाले टाइम में भी इसी तरह का प्रोग्राम हम करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया।